हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किए थे और इसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं एंड आई जस्ट लिटरली लव दीज प्रोडक्ट्स ऑफ प्लम। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने नायका से परचेज़ किए थे एंड बाई चांस आई हैव गॉट अ गुड डील कि अप्रॉक्सीमेट 1400 to 1500 में मुझे ये 6 प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ किए हैं नायका से। But before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you will get the notifications of all my new videos. तो guys, पहला जो प्रोडक्ट है दिस इज़ द बॉडी ऑयल एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग बॉडी ऑयल। ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है और आई थिंक ये बंद है। यस, दिस इज़ क्लोज्ड। ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है एंड आप में से जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा कि मैं इस ब्रांड के बॉडी ऑयल की लाइक प्लम के बॉडी ऑयल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट और जो है रेगुलरली मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ आफ्टर टेकिंग शावर एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट वेरी मच कि मैं कि बॉडी लोशन भी मैं एकदम यूज़ नहीं करती। इस प्रोडक्ट को लिटरली मैं इतना ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ यूज़ करना। सो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पर मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द बॉडी बटर। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ बॉडी बटर फ्रॉम द ब्रांड प्लम। दिस इज़ ड्राइविंग मी चेरी और मैंने इसका वनीला वाइब्स यूज़ किया हुआ है। द स्मेल वॉज अमेजिंग। तो मैंने इस बार फ्रेगरेंस चेंज करने के लिए मैंने दूसरा वेरिएंट परचेज़ किया है एंड ये काफ़ी थिक होते हैं ऑल्दो अभी समर्स नहीं है बट सिंस एज आई सेड कि मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे तो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज़ कर लिया और दिस इज़ क्वाइट अ थिक प्रोडक्ट। तो विंटर्स में मैं रेगुलर में इसके बॉडी बटर्स यूज़ करती हूँ और समर्स में जब ये प्रोडक्ट रह जाता है अगर तो समर्स में मैं इसको अपने पैरों पर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है एंड दैट्स वाई मॉर्निंग में मेरे जो पैर होते हैं वो एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आई हैव परचेज्ड दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज दिस इज़ द शुगर बॉडी स्क्रब एंड दिस इज़ वनीला वाइब्स। तो ये एकदम शुगर स्क्रब हैं। ये एकदम से शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल वो एकदम से जब आप अप्लाई करेंगे तो वो एकदम से मेल्ट हो जाते हैं स्किन में एंड ये मेरा शुगर स्क्रब का सेकंड टब है। ऑल्दो मैंने अभी बनाना वेरिएंट परचेज़ किया था कुछ दिन पहले ही लेकिन वो मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगा। उसमें छोटे छोटे से एकदम से पार्टिकल्स जो हैं वो मुझे एकदम से ही पसंद नहीं आए। मुझे ना स्मेल पसंद आई और वो लिटरली बहुत रनी प्रोडक्ट है तो वो मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगा बट आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे स्किन एकदम पॉलिश हो जाती है एंड आई जस्ट यूज़ दिस प्रोडक्ट वंस अ वीक एंड बॉडी एकदम से स्मूथ हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस दिस इज़ अ रेटिनॉल सिरम 1%। मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अमेजिंग लगा था। सेकंड परचेज़ है मेरा। लास्ट जो मैंने परचेज़ किया था वो भी बड़ी ही बॉटल थी एंड उसको फिनिश किया एंड अगेन आई हैव परचेज्ड दिस रेटिनॉल। रेटिनॉल मैंने इसके अलावा नायका का भी यूज़ किया है। दैट वॉज 2% रेटिनॉल एंड दैट कॉजेज सीवियर एक्ने ऑन माई फेस। तो अगर आप नए हैं रेटिनॉल के लिए तो मतलब एक मिनिमम कंसनट्रेशन से स्टार्ट कीजिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी वजह से मुझे कोई भी स्किन रैशेज एक्ने या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई स्किन पे बट विद इन अ वीक ये एकदम इफेक्ट दिखाता है। दिस इज़ सो मच इफेक्टिव ऑन स्किन। तो दैट्स वाई आई हैव परचेज्ड दिस। ये एकदम ऑयली नहीं है स्किन पे एंड मैं इसको नाइट टाइम स्किन केयर में अपने यूज़ करती हूँ विदाउट यूजिंग मतलब टोनर यूज़ करती हूँ स्किन को बट वेट स्किन पर मैं इसको अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं इसको ड्राई स्किन पे अप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद जो भी स्किन केयर रूटीन होता है दैट उसको मैं फॉलो करती हूँ। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो भी एक फेशियल सिरम है एंड दैट इज़ 2% हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये हमारे स्किन में मॉइस्चर को एकदम से बनाकर रखता है। तो ये भी मेरे स्किन केयर रूटीन का एक रेगुलर पार्ट है और ये मैंने मिनी बॉटल परचेज़ की है क्योंकि अभी आई हैव अ लॉट ऑफ सिरम्स, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू गेट दैट फिनिश्ड. ओके, तो इसी वजह से आई हैव परचेज्ड अ स्मॉल बॉटल ऑफ दिस. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, दिस इज़ अ फेशियल ऑयल एंड दिस इज़ द ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न फेशियल ऑयल. ऑल्दो मेरी स्किन ऑयली है बट ये फेशियल ऑयल जो है दिस इज़ सो मच लाइट वेट, और मैं रात के टाइम में अपनी नाइट स्किन केयर में फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जैसे एडवांस एज में हम जाते हैं तो स्किन, ऑल्दो मेरी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है बट स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है, नेचुरल मॉइस्चर लेवल है, वो धीमे धीमे डाउन होने लगता है. एंड मैंने देखा है कि रेगुलर में अगर मैं फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ इन माई नाइट स्किन केयर तो वो सारा आफ्टर मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ अप्लाई करने के बाद तो वो एकदम सील कर देता है मॉइस्चराइज़र को मेरे स्किन में. तो इस वजह से मैं इस फेशियल ऑयल को रेगुलर में अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ. बट अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि मैं जब अपना पूरा नाइट स्किन केयर कर लेती हूँ देन आई टेक 2-3 ड्रॉप्स ऑन माई पाम एंड आई जस्ट रब माई हैंड, और उसके बाद मैं पैट पैट करके अपने फेस पर इस फेशियल ऑयल को अप्लाई करती हूँ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए. टिल देन टेक केयर यू ऑल, बाय बाय.